स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में, जो कि ओपन टाइप है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है ओपन टाइप है, उसके जो कंपोनेंट होते हैं और उसकी जो वर्किंग होती है वो क्या होती है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। और पीवी डायग्राम भी इसकी बनाएंगे, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम भी बनाएंगे कि जो वर्किंग होती हैं, जो प्रोसेसेस होती हैं, वो पीवी डायग्राम पे हम कैसे उसको ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने ये फिगर बनाई है जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर है, इसके पार्ट्स को समझने के लिए, और ये पीवी डायग्राम के लिए बनाया है ताकि हम उसको चार्ट बना सकें। तो सबसे पहले देखते हैं इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो ऊपर से हम स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर ये है सक्शन। यहाँ से क्या होगा, सक्शन होगा। तो सक्शन यहाँ पे आप सक्शन पोर्ट बोल सकते हैं इसको, या सक्शन वाल्व आप इसको बोल सकते हैं, या सक्शन जो डोर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल लीजिए कि सक्शन जो है यहाँ से होगा। और इसी तरह से यहाँ से इसके थ्रू क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। सक्शन लाइन आप इसको बोल लीजिए कि सक्शन लाइन है, ये है यहाँ पर डिस्चार्ज लाइन है। तो ये डिस्चार्ज लाइन है, यहाँ से डिस्चार्ज होगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो है, ये वाल्व है सक्शन की तरफ ही, इसको हम बोलेंगे सक्शन वाल्व। ये है सक्शन वाल्व, यानी कि ये जब ओपन होगा तो यहाँ से जो भी वर्किंग फ्लूड है वो यहाँ से एंटर करेगा, एयर है, वेपर है, जो भी है, तो यहाँ से एंटर करेगा जब ये ओपन होगा। इसी तरह से डिस्चार्ज के पास वाला जो ये वाल्व है, ये है डिस्चार्ज वाल्व। तो इसको आप बोलेंगे डिस्चार्ज वाल्व। ये क्या काम करेगा, जब ये ओपन होगा तो यहाँ से जो भी आपका वर्किंग फ्लूड है वो यहाँ से डिस्चार्ज होकर इस लाइन में जाएगा, जो डिस्चार्ज लाइन है। तो ये है डिस्चार्ज वाल्व। अब ये जो है, जिसके अंदर ये पूरा अरेंजमेंट है, ये है सिलेंडर। ये सिलेंडर है, अब सिलेंडर है तो इसके अंदर ये पिस्टन है जो कि मूव करेगा, अप और डाउन मूवमेंट करेगा। ये जो पिस्टन है अप और डाउन जाएगा, ये अप और डाउन जाएगा। ये कैसे जाएगा, ये हमारा कनेक्ट है कनेक्टिंग रोड के साथ, ये लगी है यहाँ पे कनेक्टिंग रोड लगी है, और ये है हमारी क्रैंक शाफ्ट के साथ। जो ये क्रैंक शाफ्ट है, ये जब रोटेट करेगी तो ये कनेक्टिंग रोड इसे अटैच है, तो पिस्टन अप और डाउन मूवमेंट करेगा। अब देखिए, जो ये क्रैंक शाफ्ट है, ये हमारी कनेक्ट होती है मोटर के साथ, तो ये इसके अंदर नहीं दिखाई गई। उसके लिए अलग से जो हमारा इनक्लोज्ड किया गया है, जो मोटर और कंप्रेसर होता है इसके अंदर डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, जो ओपन टाइप हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है, और इनको हम एक ही सिंगल हाउसिंग में इनक्लोज नहीं रखते। यानी कि मोटर अलग जगह होती है, वो हमारी कनेक्ट होती है वी बेल्ट के थ्रू इस जो हमारी ये क्रैंक शाफ्ट है, तो यहाँ इससे ये कनेक्ट होती है और ड्राइव करती है कंप्रेसर को, तो कंप्रेसर को ये ड्राइव करती है। तो इसके अंदर क्या है, जो इसके आल पार्ट्स होते हैं वो नट बोल्ट और स्क्रू के साथ जोड़े होते हैं, ताकि हम इजीली उनको खोल सकें और उनको रिपेयर कर सकें, उनको साफ कर सकें, आसानी से कर सकें। तो इसलिए जो मोटर और जो रेसिप्रोकेटिंग है, अलग अलग हाउसिंग इनकी होती है, वी बेल्ट के थ्रू कनेक्ट होती है और मोटर इसको चलाती है। तो ये है क्रैंकशाफ्ट। अब देखिए, ये इसके मेन पार्ट्स हैं। अब देखते हैं इसकी जो वर्किंग है वो कैसे होगी। देखिए, इसके अंदर वर्किंग होगी, यानी कि पिस्टन जो है अप और डाउन मोशन करेगा, अप और डाउन मूवमेंट करेगा। उसके बाद जो सक्शन वाल्व हैं और डिस्चार्ज वाल्व हैं, ये ओपन और क्लोज होंगे। तो ये कब होंगे, देखिए, जब सबसे ऊपर ये हमारा जो पिस्टन है, ये टॉप डेड सेंटर पे है, TDC पे है, तो ये जब नीचे आएगा, मान लीजिए पहले ही यहाँ पे जो गैस है या एयर है या वर्किंग फ्लूड है, जो भी है, वेपर्स हैं, तो जब ये नीचे आएगा पिस्टन, तो क्या होगा, यानी कि BDC से TDC की तरफ जाएगा, TDC से अप से टॉप डेड सेंटर से BDC की तरफ जाएगा। नीचे है बॉटम डेड सेंटर और ऊपर है TDC। जो TDC है और उसके बाद ये जो वॉल्यूम बचती है, इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, यानी कि पिस्टन मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, TDC तक। जो भी वॉल्यूम बचेगी वो होती है क्लियरेंस वॉल्यूम, कितना उसके अंदर गैप रहेगा। और जब पिस्टन मूव करता है अप और डाउन, जितनी वो वॉल्यूम को कवर करता है उसको हम बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, जिसको हम VS से डिनोट करते हैं, जो स्वेप्ट वॉल्यूम है, और क्लियरेंस वॉल्यूम को VC से डिनोट करते हैं। तो VC से क्लियरेंस वॉल्यूम होगी हमारी, और VS से क्या
होगी, स्वेप्ट वॉल्यूम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर क्या होगा, देखिए जब टॉप डेड सेंटर से यानी ऊपर से नीचे की तरफ पिस्टन आएगा, हम यहाँ पे एरो बना लेते हैं कि ऊपर से वो नीचे की तरफ आया, तो मान लीजिए यहाँ पे जो पहले ही वर्किंग फ्लूड है, वर्किंग सब्सटेंस है यहाँ पे है, तो जब ये नीचे आएगा तो क्या होगा। देखिए सक्शन वाल्व जो है पहले ओपन नहीं होगा, जब ये नीचे आएगा तो क्या होगा, हम इसको 1 पॉइंट दे लेते हैं कि 1 पॉइंट से वो चलना स्टार्ट हुआ, तो 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ गया, तो यानी कि आपको क्या मिलेगा, प्रेशर डिक्रीज मिलेगा। क्यों, अब देखिए यहाँ पे जो भी वर्किंग सब्सटेंस है, जब पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा तो वॉल्यूम एक्सपेंड होगी, वॉल्यूम एक्सपेंड होगी तो क्या होगा, जो उसका प्रेशर है वो गिरेगा। तो यहाँ पे इसलिए दिखाया गया है कि जो वॉल्यूम है वो थोड़ी आपको एक्सपेंडेशन में मिलेगी, यहाँ V1 थी यहाँ V2 मिलेगी, लेकिन जो प्रेशर है वो डाउन होगा, तो प्रेशर हमारा डाउन होगा। तो ये हमने दिखाया है कि एक्सपेंडेशन होगी तो प्रेशर गिरेगा और वॉल्यूम थोड़ी बढ़ेगी, तो 1 से 2 यही होगा। लेकिन बीच में ही जब हमारा पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, मान लीजिए हम एक एरो दिखाते हैं, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट से यहाँ पे आया, ऊपर से नीचे आया, तो एक पॉइंट पे क्या होगा, अंदर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, जैसे हमने डिस्कस किया प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो प्रेशर जैसे जैसे डिक्रीज होगा अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगी, यानी कि अंदर डिक्रीज इन प्रेशर होगा जो कि इस सक्शन वाल्व के ऊपर प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देगा, इसको खींचना स्टार्ट कर देगा, यानी कि ये इसको खींचेगा और इसको ओपन कर लेगा। तो एक पॉइंट पे क्या होगा, जब आप 2 से आगे जाएंगे, मान लीजिए 3 पॉइंट है वो आगे जाएगा, तो वहाँ पे आपका सक्शन वाल्व ओपन हो जाएगा, सक्शन वाल्व ओपन होगा और जो आपका फ्लूड है सक्शन के थ्रू, इस लाइन के थ्रू यहाँ पे अंदर इंजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 से 2 क्या हुआ, यानी कि 1 से 2 जब पिस्टन ऊपर से नीचे आया प्रेशर डिक्रीज हुआ और एक्सपेंडेशन आपको मिला, इसलिए प्रेशर डिक्रीज हुआ। अब 2 से 3 और वो नीचे आया, सक्शन वाल्व ओपन हो जाएगा, तो 2 पे सक्शन वाल्व ओपन हो जाएगा और वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगी और इनटेक होगा। तो इस तरह की आपको जो आपको प्रोसेस मिलेगी 2 से 3, यानी कि सक्शन वाल्व ओपन हो जाएगा और 3 पे जाके सक्शन वाल्व क्लोज हो जाएगा जब ये पूरा BDC पे आ जाएगा। तो ये प्रोसेस हमारी चलेगी जब पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आया है, 1 से 2, 2 पे सक्शन वाल्व ओपन और 2 से 3 जो सारा सक्शन होगा वो इसके अंदर होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम का एकदम से एक्सपेंडेशन दिखाया गया है, वॉल्यूम की बढ़ोतरी दिखाई गई है। तो इस तरह से यहाँ पे होगी V3 वॉल्यूम। तो यहाँ पे इस तरह की आपको प्रोसेस मिलेगी। उसके बाद देखिए क्या होगा, अब ये पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, अब यहाँ पे ये नीचे की तरफ आया था, अब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ से जब वो ऊपर जाएगा 3 से, अब देखिए जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो उस टाइम पे क्या है, सक्शन वाल्व भी क्लोज है क्योंकि 3 पे वो भी क्लोज हो चुका है, डिस्चार्ज वाल्व भी क्लोज है। जब ये ऊपर जाएगा तो पिस्टन क्या करेगा, जो वर्किंग फ्लूइड है, वर्किंग सब्सटेंस है, उसको कंप्रेस करेगा। जब उसको कंप्रेस करेगा तो उसका जो प्रेशर है इंक्रीज होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। जब आप कंप्रेस करेंगे तो तो आपको इस तरह की लाइन मिलेगी, लगभग इस तरह की लाइन मिलेगी, जिसके अंदर क्या होगा, जो प्रेशर है वो भी बढ़ेगा और टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा, यानी प्रेशर भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, यानी कि कंप्रेशन होगा, वो कंप्रेशन में अंदर जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं इनटेक, 2 से 3 के बीच में क्या होगा, इनटेक होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एक्सपेंशन होगा, तो यहाँ पे इनटेक होगा, यहाँ पे एक्सपेंशन था जब पिस्टन नीचे आया था, यहाँ इनटेक हुआ, यहाँ पे वाल्व ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ सक्शन वाल्व। उसके बाद जब वो दोबारा ऊपर जाएगा, दोनों वाल्व क्लोज हैं, तो कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन के कारण प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हमने ये दिखाया है। उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए 4 पॉइंट आ जाता है, जब 3 से 4 पॉइंट पे ये गया, तो इसी तरह से बीच में एक पॉइंट है 4, उसके बाद ये जो 1 पॉइंट है ये वाला, ये कैसे आएगा, देखिए इसके अंदर क्या होगा, जब डिस्चार्ज जो हमारा वाल्व है ये क्लोज है, जब पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है 3 से 4 की तरफ गया, कंप्रेशन हुआ, बीच में क्या होगा, जैसे जैसे ये कंप्रेस करता रहेगा वर्किंग फ्लूइड पे प्रेशर बनता रहेगा, अंदर इसके वॉल्यूम कम होती रहेगी, प्रेशर बनता रहेगा, प्रेशर इतना बन जाएगा कि जो इसका सेल्फ वेट है, ये अब ये स्प्रिंग वेट के थ्रू हमने अटैच किया हुआ है, यानी कि इसका खुद का वेट है जो स्प्रिंग इसको बंद किए हुए है, लेकिन जैसे जैसे पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे वर्किंग जो फ्लूइड है, वर्किंग सब्सटेंस है, वो इसके ऊपर प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देगा जैसे जैसे पिस्टन जाएगा ऊपर।
तो क्या होगा, यहाँ पे चार पे हमारा जो डिस्चार्ज वाल्व है वो ओपन हो जाएगा। डिस्चार्ज वाल्व ओपन होते ही यहाँ से ये डिस्चार्ज लाइन पे जो वर्किंग सब्सटेंस है वो चला जाएगा। तो 4 से 1 दोबारा से वही इनिशियल स्टेट आ जाएगी और फिर से ये रिपीट होता रहेगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं, जो ये है ये होगा डिस्चार्ज। तो ये एक्सपेंशन, इनटेक, कंप्रेशन, डिस्चार्ज। तो इस तरह से जो आपकी वर्किंग है, जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है ओपन टाइप, ये काम करता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।